आज अमन आगे बढ़ेंगे, आज इसमें मैं थोड़ी सी थ्योरी और आगे की डिस्कस करूंगा। कल हमने जहां पर छोड़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, और उसी के साथ साथ मैं आज एक न्यूमेरिकल भी टच करूंगा आज, और उसमें मैं बताने की ये कोशिश करूंगा कि 90% न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। यस, आई रिपीट अगेन स्टूडेंट, 90% न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास अगर वो बेसिक कैलकुलेशन आईक्यू है जो प्रैक्टिस के साथ हर स्टूडेंट डेवलप कर सकता है, तो आपको 90% प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बोर्ड लॉग टेबल इसलिए देता है क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर स्टूडेंट में वो कैलकुलेशन की टेक्निक्स हो। तो आज मैं न्यूमेरिकल भी टच करूंगा और आज मैं थोड़ी सी थ्योरी भी बात करके न्यूमेरिकल पे आऊंगा। तो लेट्स कम ऑन टू द थ्योरी पार्ट। थ्योरी के ऊपर दोबारा आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर कल मैंने छोड़ा था, आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बेटा मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं सिर्फ उस शब्द मोमेंटम की, एटलीस्ट जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है कल, अगर मैं सिर्फ उस शब्द की बात करूं, सिर्फ उस वर्ड की बात करूं मोमेंटम की, तो आई होप ये वर्ड मोमेंटम सभी को क्लियर है। यस सर, एकदम यस क्लियर हो सर, गया? यस ये सर, भूल, मेरे को ही लगता है कि आप लोग भूलोगे कभी इस शब्द को, ये वर्ड को, मोमेंटम इस वर्ड को भूलोगे आप कभी। ठीक है, मोमेंटम क्लियर हो गया। अब उसी से आगे सामने चल के, उसी से आगे चल के पिक्चर में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मतलब टू कंजर्व, टू प्रिजर्व, जैसा है वैसा रखना। इस वर्ड को याद रखिए बेटा, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है जैसा ओरिजिनली था उसको वैसा बनाए रखना। तो क्योंकि आपको अगर कंजर्वेशन इस शब्द का मतलब समझ में आ गया, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ जाएगा। तो इसको अगर आप हिंदी में अनुवाद करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि जो मोमेंटम पहले था उस मोमेंटम को बनाए रखना, उस मोमेंटम को बरकरार रखना, उस मोमेंटम को इंटैक्ट रखना आफ्टर समथिंग हैज हैपेंड। फिजिक्स की भाषा में उस समथिंग को कोलिजन बोलते हैं। सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा, फिर मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तो उसमें आएगा। तो आगे बढ़ता हूँ, अगेन कल के पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बना रहा हूँ, उनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये मैंने एक बॉडी बनाई एंड ये बेसिकली, ये जो है ये एक ऑटो है, ये इस ऑटो का जो मास है, द मास ऑफ दिस ऑटो इज, आप कंसिडर कर लीजिए 200 kg। द मास ऑफ दिस ऑटो इज 200 kg, 200 किलो का मास है इस ऑटो का। और इसके सामने ये मैंने एक पूरी प्रॉपर कार बनाई है, और इस कार के मास की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द मास ऑफ कार, अगर मैं कार के मास की बात करूं, तो द मास ऑफ द कार इज 500 kg, 500 kg। तो मास पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये चीज समझ में आ गई। आज की जो क्लास रहेगी स्टूडेंट्स, वो एक और मायने में इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की ये वाली क्लास में मैं आपके सामने कुछ इतने ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इतना आसानी से रखने की कोशिश करूंगा, जो मुझे लगता है वो अधिकतर तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आती भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने दो बॉडीज रखी हैं, एक ऑटो है जिसका वजन 200 किलो है और एक कार है जिसका वजन 500 किलो है। 200 किलो और 500 किलो की ये वाली दो तो मैंने बॉडीज रखी है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर आप तीन चीजों की बात करोगे, यू विल बी टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स, यू विल बी टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स। क्योंकि जब मैं तीनों चीजों की एक साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा ना, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो रिमेनिंग दो चीजें हैं, जिसमें से एक मोमेंटम है, एक एक्स्ट्रा चीज है जो आज हम नहीं पढ़ेंगे सीखेंगे, आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ये वाली वो लाइन है, ये जो बीच में लाइन है ना, दिस इज द लाइन ऑफ कोलिजन। ये दोनों आगे बढ़ेंगे और अभी आने वाले डिस्क्रिप्शन में इनको मैं कोलाइड करवाऊंगा, इनका कोलिजन यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर होगा इनका क्या कोलिजन,
यहां पर होगा इनका कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो है, वो यहां पर रोल कॉल में आएगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल कम इनटू पिक्चर हियर। ये जब कोलिजन होगा ना तब पिक्चर में आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके पहले नहीं आएगा बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को घबराहट होती है ये वाले वर्ड से, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। बहुत आसान सी चीज है, उसको मैं आज क्लियर कर दूंगा आपको। अच्छा एक चीज, दो और चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपके, दो और चीजें हैं जो इसके साथ में आती है, उनमें से एक चीज के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन कर चुका है, दैट इज ओनली मोमेंटम। ओनली मोमेंटम, मैं सिर्फ मोमेंटम की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मोमेंटम स्टूडेंट। और एक दूसरी चीज जो आज हम पढ़ेंगे, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी है, दैट न्यू थिंग इज इंपल्स, दैट न्यू थिंग इज इंपल्स। ये इंपल्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, सुना है कि नहीं सुना इसके बारे में स्टूडेंट? सुना है सर। स्टूडेंट्स एक चीज देखो, आप तीन चीजों के बारे में कंपेरेटिव स्टडी करोगे आज, आप तीन चीजों के बारे में कंपेरेटिव स्टडी करोगे। देखो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि आप लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है। एक चीज हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, कि आपको अगर कोई भी चीज को समझना है, आपको अगर कोई भी चीज को समझना है, तो नंबर वन यू हैव टू गो इन डेप्थ। डेप्थ का मतलब ये रहता है कि सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में समझने का प्रयास आपको करना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको उस चीज की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि हिंदी वर्ड है, इसको अगर आप इंग्लिश में बोलू, उस चीज का अगर आपको बैकग्राउंड पता है ना, अगर आपको उस चीज का बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आ गया, वो वाली चीज, वो वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं फिजिक्स में जिनमें कंसेप्ट बहुत सारे होते हैं, तो रिमेम्बर वन थिंग, जो चैप्टर जितना आसान है जिसमें कंसेप्ट कम है, उसका बैकग्राउंड या तो बहुत आसान है, या तो बहुत सरल है, या तो तकरीबन ना के बराबर है। कुछ चैप्टर्स फिजिक्स में ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, आप लोगों की भाषा में कहूँ, अगर स्टूडेंट्स की भाषा में कहूँ तो कुछ चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक ऐसा चैप्टर है जो अधिकतर स्टूडेंट्स उसको बहुत डिफिकल्ट मानते हैं। एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, जो चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि उस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो एक खुली किताब की तरह आपके सामने अभी तक आए नहीं, एक ओपन बुक की तरह आपके सामने रखे नहीं गए हैं, या आपने उन कॉन्सेप्ट को सिंपल और सरल भाषा में समझने का प्रयास नहीं किया। तो उसी लाइंस के ऊपर स्टूडेंट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और खासकर जो मैकेनिक्स का सेक्शन रहता है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजिंग लगता है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि आप लोगों को बैकग्राउंड ही नहीं पता, आपको तुलनात्मक स्टडी करनी आई नहीं। तुलनात्मक स्टडी का मतलब रहता है कंपेरेटिव स्टडी। बहुत बार कैसे होता है कि आप सिर्फ मोमेंटम पढ़ते हो, बहुत बार कैसे होता है कि आप सिर्फ इंपल्स पढ़ते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप लोगों ने अकेले पढ़ा, सिंगल पढ़ा, आप लोगों ने उसको कलेक्टिवली नहीं पढ़ा। और कलेक्टिवली के बजाय अगर मैं और प्रॉपर शब्द का इस्तेमाल करूं, आप लोगों ने कंपेरेटिव स्टडी नहीं की। तो आज यहां पर मैं आपको एक साथ एट वन गो, आपको मोमेंटम के बारे में भी पता चलेगा जो हम ऑलरेडी कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आज मैं इम्पल्स के बारे में भी बताऊंगा, और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ये आप सभी स्टूडेंट को डेफिनेटली समझ में आएगा, और इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स में जनरली स्टूडेंट गलती करता कहां पर है। तो लेट स्टार्ट विथ दीज थ्री टॉपिक्स, जिसमें से मोमेंटम सभी स्टूडेंट्स कल पढ़ चुके हैं, मोमेंटम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स का मोमेंटम मिस हो गया है और आज वो नए आए हैं, और मोमेंटम अगर उनको समझना है, तो आप कल की जो वीडियो है उसको आप प्लीज रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी।
और वो वीडियो में अगर आप मोमेंटम गो थ्रू कर लेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको वो मोमेंटम समझ में आ गया तो आपको मोमेंटम पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इस बचे हुए कंटेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए और इम्पल्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज याद रखिए, ये ऑटो मेरा है, दिस इज माय ऑटो, वी आर सिटिंग इन दिस एंड दिस इज आर ऑटो, सो दिस इज द रिसोर्स पर्सन हु आर सिटिंग इन दिस एंड दिस इज आर, ये लोग हम है, ये हम है, दिस इज अस, यू एंड मी, दिस इज अस, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है। हमारी गाड़ी से बोलने का मतलब ये है, ये हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी से बोलने का मतलब ये है कि रेफरेंस व्हीकल ये रहेगा, रेफरेंस व्हीकल ये रहेगा, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मोमेंटम और इंपल्स के बीच का फर्क क्या रहता है। जब आपको मोमेंटम और इंपल्स के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा, आपको मोमेंटम और इंपल्स भी समझ में आ जाएगा और फिर आपके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना बेहद आसान रहेगा। ठीक है, तो मोमेंटम को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में। मोमेंटम का सिंपल भाषा में, मोमेंटम का सिंपल शुद्ध हिंदी स्पष्ट भाषा में, एकदम सरल भाषा में यह मतलब रहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर स्थित है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रेस्ट पोजीशन पर है, एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, यहां पर आप पीछे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा बेंच है, ये एक छोटा सा बेंच है, ये सिर्फ एक चेयर रखी हुई है ये मेरे सामने। इस चेयर का जो वजन है, इस चेयर का जो मास है, वो काफी कम है एज कंपेयर टू दिस एंटायर डेस्क बेंच। मान के चलिए इस चेयर का वजन अगर अगर मैं एक अंदाजा भी लगाऊं, इस चेयर का जो वजन है वो होगा तकरीबन 15 से 20 किलो के आसपास। तो उसी के कंपैरिजन में इस कंप्लीट डेस्क बेंच की अगर मैं बात करूं, इस कंप्लीट डेस्क बेंच की बात करूं, तो इसका वजन तकरीबन 35 या 30 केजी के आसपास आएगा। तो मेरे लिए इस चेयर को हिलाना बहुत आसान है, ये चेयर रेस्ट पोजीशन पर थी, रेस्ट पोजीशन पर मैंने इस चेयर को हिलाया तो मेरे को इसको फोर्स अप्लाई करना पड़ा, और जैसे ही मैं इसमें फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मास का कंपोनेंट ऑलरेडी होता है, एक बॉडी में मास का कंपोनेंट होता है, दिस इज द मास। यहां पर मैंने फोर्स अप्लाई किया और जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये इस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के हिसाब से भागता है। यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये मास होता है, दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m, इस बॉडी का एक मास होता है m। यहां पर आप फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे, ये बॉडी विद अ सर्टेन वेलोसिटी आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये हर जगह होता है। तो मोमेंटम का सिंपल मीनिंग क्या होता है, मोमेंटम का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी जो कि रेस्ट पोजिशन पर है, मोमेंटम बॉडी रेस्ट पोजीशन पर, आपको अगर उसको चलाना है तो आपको मोमेंटम की बात करी होगी, और कोई भी बॉडी जो मोशन में है उसको रोकना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, ये आपको पता चलता है मोमेंटम, मोमेंटम से। तो मोमेंटम तभी पिक्चर में रहेगा जब वेलोसिटी का वी कंपोनेंट रहेगा, जब वी रहेगा, जब उस बॉडी में गति रहेगी, जब उस बॉडी में स्पीड रहेगी। एक ऐसी बॉडी जो रेस्ट पोजिशन पर है, वो पहले से ही रुकी हुई है, उसमें मोमेंटम अप्लाई नहीं होगा। तो मोमेंटम अप्लाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी होनी चाहिए। अब जब आप मोमेंटम की बात करते हो ना स्टूडेंट, तो यहां पर देखो, यहां पर ऑटो है और यहां पर है कार, यहां पर ऑटो है, यहां पर है कार। ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, दिस इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप मोमेंटम का यहां पर फॉर्मूला लगाते हो, मोमेंटम ऑफ ऑटो इज नथिंग बट 200 इंटू 100 एंड दैट इज नथिंग बट 20,000 केजी किलोमीटर पर आवर, 20,000 केजी किलोमीटर पर आवर।
और बेटा ये वाली जो कार है दिस इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब इस कार का अगर आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो ये हो गया 500 × 10, दैट इज नथिंग बट 5000 kg/h। यहाँ पर आपको एक स्टडी दिख रही होगी, आप एक कंपैरिजन देख सकते हो कि इस ऑटो का जो मोमेंटम है वो है 2000 kg/h, 2000, सिर्फ 2000 याद रखिए, और इसका जो मोमेंटम है दैट इज 5000। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, ऐसी पोजीशन में अगर आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपको इनको रोकना है, तो बताइए इस पोजीशन में कार को रोकना ज्यादा आसान है या ऑटो को रोकना ज्यादा आसान? ज्यादा आसान किसको रोकना है सर? कार को। कार को रोकना ज्यादा आसान, कार को रोकना ज्यादा आसान है, वेरी करेक्ट। यही चीज मोमेंटम बताती है। तो जिन स्टूडेंट्स का कल की क्लास में मोमेंटम मिस हो गया होगा, ये छोटा सा क्विक रिवीजन मैंने फिर से किया है। तो किसी भी चलते ऑब्जेक्ट को रोकना कितना आसान रहता है या कितना मुश्किल रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उसे रोकना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये आपको मोमेंटम से पता चलता है। यहाँ पर इस ऑटो का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, इसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, मोमेंटम वेरी किया जा सकता है? यस, मोमेंटम बिल्कुल वेरी किया जा सकता है। अब वेरिएशन से अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट बता रहा हूं जहां पर अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो पॉइंट बता रहा हूं जहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है। अब आप बोलोगे सर यहां तक के तो ठीक है, ये तो बात हो गई मोमेंटम की, सर इधर तक पूरा ठीक है, यहां तक पूरा प्रॉपरली समझ में आ जाता है, दैट पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दैट पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दैट पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, सही है ना बेटा? यहाँ सारे बच्चे लोग सही है ना, यहां तक तो समझ में आ जाता है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बराबर बेटा? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ, अब आप लोगों को बताता हूँ स्टूडेंट्स की आप लोगों की डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स चालू कहां से होती है। आप स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है ये वाली प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो। आप लोगों की प्रॉब्लम और डिफिकल्टी शुरू कहां से होती है मैं वो बता रहा हूँ आपको। जब तक मोमेंटम में P इज इक्वल टू एम वी लिखा है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही किसी भी किताब में डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी आ जाता है ना, तो आप लोगों को ये दुविधा लग जाती है कि अब ये पी इज इक्वल टू एम वी यहां तक के तो ठीक था, बट अब ये डेल्टा कहां से आ गया? इसको अगर मुझको और डिफिकल्ट बनाना है तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, डेल पी इज इक्वल टू एम डेल वी, ये लो ये और डिफिकल्ट बन गया। यहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डर है ना फिजिक्स के लिए वो बढ़ना चालू हो जाता है। करेक्ट बेटा, एम आई करेक्ट? आप में से कितने लोग इस पॉइंट के ऊपर आके कंफ्यूज होते हैं या थोड़ा डरना चालू हो जाते हैं सब्जेक्ट को लेके? इज दिस द पॉइंट? कम ऑन बेटा, लेट मी नो, यस और नो, यहां पर आके डर लगता है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बेटा यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर डरने की कोई बात नहीं है, यहां पर डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। आपको मैं डिफरेंस बताता हूं क्या है। डेल और ये सबसे पहले डेल जो है ना, ये ट्रायंगल, ये बेसिकली इंडियन ऑथर्स यूज करते हैं अपनी किताब में, जो इंडिया के राइटर्स रहते हैं ना वो इसको यूज करते हैं, और ये वाला जो डेल है ये बेसिकली फॉरेन साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं अपनी कैलकुलेशन। तो क्या डेल का सिंपल मतलब होता है? मेरे को आप एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ बेटा। ये ऑटो 200 किलो का ऑटो है, मेरे को आप एक बात बताइए, एक ऐसा ऑटो जो 200 किलो का है, क्या ऐसा होता है कि मंडे को उस 200 किलो के ऑटो का वजन 200 रहेगा, ट्यूजडे को 250 हो जाएगा, वेडनेसडे को 150 हो जाएगा, थर्सडे को फिर से 200 हो जाएगा, और फ्राइडे को उसका वजन 300 होता है? ऐसा होता है क्या बेटा? ऐसा होता है क्या? नो सर। नो सर। इससे बेटा एक चीज तो साफ है, इससे एक चीज क्लियर है कि ये m जो होता है ये m कांस्टेंट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार एक बॉडी का मास m है तो इट विल रिमेन कांस्टेंट। ऑटो का वजन अगर 200 किलो है तो वो 200 किलो ही रहेगा, वो मंडे को 250, ट्यूजडे को 150, वेडनेसडे को 225 और थर्सडे को 300 किलो ऐसा नहीं होगा। लेकिन बेटा मेरे को एक बात बताइए, उस 200 किलो के ऑटो को आप दोपहर को 40 किलोमीटर 40, उसके बाद शाम को 60,
आप एक ऑटो को अलग अलग स्पीड पे तो चला सकते हो ना बेटा, अलग अलग वेलोसिटी पे तो चला सकते हो, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी पे तो चला सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये वाला बेटा जो फॉर्मूला है ना, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इसमें ये जो चीज है ये बदलेगा नहीं, ये फिक्स है, ये फिक्स है, मास जो है ये फिक्स है। ये बदल सकता है, क्या बदल सकता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल सकती है। तो जो क्वांटिटी बेटा बदल सकती है ना, जिस क्वांटिटी में वेरिएशन ला सकते हैं, जिस क्वांटिटी में बदलाव आ सकता है, जिस क्वांटिटी की प्रक्रिया में फेर बदल हो सकता है, आप उस क्वांटिटी के सामने सिर्फ एक ट्रायंगल लिख देते हो। इस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि वेलोसिटी बदली। अब बदलाव कब होता है, आप कब बोलते हो कि चेंज आए, बेटा आपने को एक बात बताइए, आप लोग कब बोलते हो कि आपके मार्क्स बदले, जब पहले के एग्जाम के मार्क्स कुछ और थे और अब जो एग्जाम हुआ उसके मार्क्स कुछ और हैं। डेल्टा का सिंपल मतलब क्या रहता है कि पहले वेलोसिटी कुछ और थी, अब कुछ वेलोसिटी कुछ और है, बस सिर्फ इतना ही इस चीज में आपको ध्यान देना है। इस डेल्टा का मतलब सिर्फ इतना ही रहता है। अब P इज इक्वल टू एम डे एम वी, तो वहां पर मैं करूंगा, मैं डेल्टा लगा दूंगा, तो यहां पर जब मैं डेल्टा लगाऊंगा, अब अगर V बदल रहा है तो P भी बदलेगा, V बदल रहा है तो P भी बदलेगा, तो इसके सामने डेल्टा लग जाता है। और जैसे ही बेटा ये डेल्टा P इज इक्वल टू एम डेल्टा V आया, आप लोगों का कंफ्यूजन चालू हो जाता है, आप लोगों का कंफ्यूजन चालू हो जाता है। अब सिंपल सी भाषा है, P इज इक्वल टू एम वी, ये वो है, ये बताऊं क्या है, ये बताऊं क्या है, ये उस बॉडी का मोमेंटम है जो फिक्स्ड वेलोसिटी से चल रही है, ये उस बॉडी का मोमेंटम है जो एक ही स्पीड में चल रही है, एक ही स्पीड में चल रहा है। ऑटो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चालू हुआ और वो 80 किलोमीटर की स्पीड से ही चल रहा है, खाली रोड पर चल रहा है, उसके एक्सेलरेटर को 80 तक ले गए और उसको वहां पर फिक्स छोड़ दिया, रहन दिया, उसको आगे हमने स्पीड नहीं बढ़ाई, आप ये बोल सकते हो। ये वो वाला ऑटो है, ये वो वाला ऑटो है जो ट्रैफिक में चल रहा है, रोड खाली मिलेगी तो अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेगा, अब वेलोसिटी बढ़ा लेगा मतलब ज्यादा स्पीड में चलेगा तो उसको रोकना भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा। अगर रोड में भीड़ मिलेगी, अगर रोड में उसको ट्रैफिक मिलेगी तो वो अपनी स्पीड को कम कर लेगा, जिसकी वजह से मोमेंटम कम हो जाएगा। ट्रैफिक में किसी ऑटो को रोकना बड़ा आसान रहता है क्योंकि ट्रैफिक में वो चलता ही नहीं है जोर के। तो आई होप ये पहली चीज जो है ये आप सबको क्लियर होगी होगी कि PMV का मतलब क्या रहता है और डेल्टा P इज इक्वल टू एम डेल्टा V का मतलब क्या रहता है। बेटा ये समझ में आ गया क्या सबको, ये समझ में आ गया क्या सबको, ये क्लियर है क्या सबको? यस सर, यस सर, सबको, एवरीवन, किसी को डाउट हो, आई होप होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। समझ में आ गया कि इसमें और इसमें फर्क क्या रहता है? ये वो वाला ऑटो है जो हाईवे पर चल रहा है खाली रोड के ऊपर, ये वो वाला ऑटो है जो ट्रैफिक में चल रहा है जो अपनी स्पीड को कम ज्यादा करते रहता है। सीतावर्डी के फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और यही अगर सीतावर्डी की मार्केट की मेन रोड में चलेगा तो वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। अब वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है तो उस कम ज्यादा होती वेलोसिटी को आप डेल्टा वी से डिनोट करते हो, दैट्स द ओनली थिंग। समझ में आया बेटा, ये चीज क्लियर है सबको, एवरीवन? ये क्लियर है बेटा सबको? आगे बढ़ो। यस सर। हाँ चलो, तो अब देखो बेटा मोमेंटम का मतलब क्या है। मोमेंटम का मतलब हो गया कि किसी भी चीज को रोकना कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है। अब देखो, अब मैं इन दोनों की टक्कर करवाने वाला हूं, ठीक है। ये ऑटो है, इस ऑटो का मोमेंटम 2000 है, ये कार है, इस कार का मोमेंटम 5000 है। ये दोनों चलनी शुरू हुई और यहां पर एट दिस पॉइंट इन दोनों का होगा कोलिजन। एट दिस पॉइंट ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। अब बेटा मेरे को एक बात बताइए, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बहुत बारीक चीजें बताने वाला हूं मोमेंटम और इंपल्स के बारे में, बहुत फाइन चीजें बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे फोकस के साथ सुनिएगा, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिएगा सब बच्चे। बेटा ये ऑटो इस कार की तरफ आना चालू हुआ,
इस ऑटो का मास 200 है, इसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर है, इसका मोमेंटम 2000 केजी किलोमीटर पर आवर है, 2000 केजी किलोमीटर पर आवर। उस मोमेंटम से ऑटो आगे बढ़ रहा है। मेरे को एक बात बताइए, इस कार की खुद की भी तो सहन शक्ति होनी चाहिए कि इस ऑटो को रोक सके, यस और नो? इस yes. गाड़ी में, इस गाड़ी की खुद की भी तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इस गाड़ी का खुद का भी तो सस्टेनेंस होना चाहिए, इस गाड़ी की खुद की भी तो ताकत होनी चाहिए कि इतने मोमेंटम से एक ऑटो इसकी तरफ बढ़ रहा है और इस पॉइंट पर आकर जब इस कार से टकराएगा तो इस ऑटो को रोकने की क्षमता होनी चाहिए इस गाड़ी में। कम ऑन बेटा, यस और नो? होनी चाहिए ना। यस यस सर, यस सर। इस गाड़ी को, इस ऑटो को रोकने के लिए, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इस गाड़ी को, इस ऑटो को रोकने के लिए कितनी मुश्किल हो रही है, कितनी आसानी से रोक पा रही है ये वाली कार इस ऑटो को, उसको आप कहेंगे मोमेंटम, उसको आप कहेंगे मोमेंटम, उसको आप कहेंगे मोमेंटम। ये हो गया मोमेंटम। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज और है इसमें, अब इसमें एक चीज और है, वो दूसरी चीज क्या है मेरे को यार एक बात बताओ, ये ऑटो जब इस गाड़ी को जाके टकराएगा, ये ऑटो जब इस गाड़ी को जाके टकराएगा तो ऑटो तो रुक जाएगा, ऑटो तो रुक जाएगा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये वाला ऑटो इस गाड़ी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना छोड़े, इस ऑटो की वजह से इस गाड़ी को कोई नुकसान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये ऑटो आएगा और इस गाड़ी को टक्कर मारेगा, इस गाड़ी को ठोस मारेगा, तो जैसे इसको ठोस मारेगा तो इस गाड़ी के ऊपर भी तो कुछ इम्पैक्ट आएगा। कम ऑन, यस और नो? आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, यस, आएगा। सब बच्चे हैं कि नहीं बेटा? हो कि सो रहे हो? हेलो, सर है। बेटा इस गाड़ी के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा, इस गाड़ी के ऊपर जो फर्क आएगा, इस गाड़ी के ऊपर जो इफेक्ट आएगा, उसको आप बोलोगे इम्पल्स। दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीजों की बात होगी बेटा, मोमेंटम, मोमेंटम और इम्पल्स, दोनों का फर्क को मैं और थोड़े इलेबोरेट में करता हूँ। जब हम इस पूरे सिस्टम में, जब हम मोमेंटम ऑफ, इसकी मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो जब हम, हाँ बेटा बोलो। सर वीडियो ब्लर है। ब्लर है बेटा, एक बार आप अपना कैमरा भी चेक कर लो, मैं एक बार अपना कैमरा भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है? आप जब इस मोमेंटम की बात कर रहे हो ना स्टूडेंट, सब जन बड़ा ध्यान से सुनो, आप जब इस मोमेंटम की बात कर रहे हो ना, इस मोमेंटम से मतलब ये है इसको रोकना कितना आसान है और किसका कितना मुश्किल है। बेटा मेरा हाथ देखो किस ऑब्जेक्ट के, इस पर्टिकुलर सीन में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट हो गई कार, एक ऑब्जेक्ट हो गया ऑटो। जब हम मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम से मेरा बोलने का मतलब है इसको रोकना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। बेटा फोकस किस ऑब्जेक्ट के ऊपर है? फोकस ऑटो के ऊपर है। इसको रोकना कितना मुश्किल है, इसको रोकना कितना आसान है, ये कितनी आसानी से रुकेगा, ये कितनी मुश्किल से रुकेगा, सब पूरा फोकस इसके ऊपर है, पूरा फोकस इसके ऊपर है। किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? जब मैं इसकी मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो मैं किस ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस ध्यान रखा हुआ है? मैंने ऑटो के ऊपर। क्या मैं कार की बात कर रहा हूं क्या? नहीं, मैं कार की बात नहीं कर रहा हूं। मुझको नहीं पता के 200 किलो के इस ऑटो को रोकने के लिए, जिसका मोमेंटम 20,000 है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, दीवार खड़ी है, ट्रक खड़ा है, बुलडोजर खड़ा है, अपन उसकी बात नहीं कर रहे। इसको रोकना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, इसको, ऑटो की बात हो रही है। जब मैं मोमेंटम, इस पूरे सीन में जब मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो मैं ऑटो की बात कर रहा हूं, मैं ऑटो की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं इस कार के ऊपर, अब आते हैं इम्पल्स के ऊपर। इम्पल्स का मतलब क्या है बेटा? इम्पल्स का मतलब क्या है कि जब
इतने मोमेंटम का कोलिजन इसके ऊपर आएगा, इतने मोमेंटम का इंपैक्ट, इतना मोमेंटम जब इसके ऊपर आएगा, इतने क्वांटिटी का मोमेंटम जब इस गाड़ी के ऊपर आएगा, तो इस गाड़ी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस गाड़ी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पॉइंट क्या है, दो 20,000 केजी किलोमीटर पर आवर का मोमेंटम इस कार के ऊपर आ रहा है। हमको कोई लेना देना नहीं है कि इतना मोमेंटम एक आदमी की वजह से आ रहा है, एक ऑटो की वजह से आ रहा है, एक साइकिल की वजह से आ रहा है, एक ट्रक की वजह से आ रहा है, एक बुलडोजर की वजह से आ रहा है। इस गाड़ी के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, इस गाड़ी को आके जब ठोस लगेगी, इस गाड़ी को आके जब टक्कर लगेगी, इस गाड़ी को आके जब कोलिजन होगा, तो इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, ये कितना सस्टेन कर पाएगी, इसकी क्षमता, इसकी इसकी झेलने की क्षमता। अब हिंदी में सुनिए, बहुत आराम से सुनिएगा स्टूडेंट, इसकी झेलने की क्षमता, ये कितना झेल सकती है, दैट इज इंपल्स। इसको रोकने के लिए कितना चाहिए, दैट इज मोमेंटम। बेटा दोनों चीजों का फर्क समझ में आया स्टूडेंट, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में इंपल्स है और मेरे राइट हैंड साइड में मोमेंटम है। सभी स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस समझ में आया बेटा, यस और नो मेरे को फ्रेंकली बताना, समझा कि नहीं समझा ये वाला डिफरेंस? यस सर। सभी बच्चों को क्लियरली, सबको क्लियरली समझ गया, जितने भी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं इसको, सबको समझ गया? हाँ सर समझ गया। एनीवन? यस सर। समझ गया? यस सर। गर्ल्स बेटा, गर्ल्स में सबको समझ गया ये पॉइंट्स पूरे? यस सर। अब एक चीज देखो और पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताता हूँ बेटा। जब आप सिर्फ मोमेंटम की बात कर रहे हो ना, जब आप सिर्फ मोमेंटम की बात कर रहे हो, व्हेन यू टॉकिंग ओनली अबाउट मोमेंटम, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको उसको किसी से टकराना ही है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपको उसको किसी से टकराना है, नॉट नेसेसरी। बट यस, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इम्पल्स, इम्पल्स पिक्चर में तभी आता है व्हेन देयर इज अ कोलिजन। जब टक्कर होती है ना, जब टकराव होता है, दो बॉडीज का टकराव होता है, तभी बेटा इंपल्स आए, इंपल्स तभी पिक्चर में आता है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, T20 वर्ल्ड कप हुआ इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया लॉस्ट बाय 10 विकेट्स। अब क्रिकेट का ही अगर मैं एग्जांपल लूं, एक क्रिकेट है, एक क्रिकेटर है, उसने हाथ में बॉल पकड़ी है, उस बॉल का मास रहता है, दैट बॉल हैज अ मास। इस क्रिकेट बॉल का, इस क्रिकेट बॉल का मास रहता है, दिस क्रिकेट बॉल हैज सर्टेन मास, और बॉलर इसको एक सर्टेन वेलोसिटी से थ्रो करता है, तो इस क्रिकेट बॉल में मास भी है, दैट इज एम, इस क्रिकेट बॉल में वेलोसिटी भी है, दैट इज वी। अब बहुत आसान है, आप इसका पी इज इक्वल टू एम वी निकाल सकते हो, इसका मोमेंटम निकल गया, समझ में आ गया। बॉलर ने बॉल फेंक दी, सिंपल, दैट्स इट, बॉलर ने बॉल फेंक दी, वो बॉल जा रही है, एंड हियर यू आर टॉकिंग अबाउट मोमेंटम। बॉलर बॉल जा रही है, यू आर टॉकिंग अबाउट मोमेंटम। बैट्समैन है, बैट्समैन ने बॉल को लेफ्ट कर दिया, जाने दिया। जो विकेट कीपर है ना पीछे, आप लोगों ने देखा होगा विकेट कीपर अपने हाथ को पीछे खींचता है ताकि जो पॉइंट, जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो कॉन्टैक्ट थोड़ा सा बढ़ जाए और इंपल्स या झटका थोड़ा धीरे से लगे, इंपल्स से क्या चीज समझ में आ रही है? इससे लेना देना नहीं है कि बॉल किस स्पीड से आ रही है, इससे लेना देना नहीं है कि बॉल की मोमेंटम कितना है, नो नथिंग, कि वो उसका झटका कितना जोर के लगेगा। जब तक आप बॉल की बात कर रहे हो आप मोमेंटम में हो, और जैसे ही आप ग्लव्स की बात करोगे आप किसकी बात करोगे, इंपल्स, ग्लव्स की बात करोगे आप बात करोगे इंपल्स की। तो बेटा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड इंपल्स। मोमेंटम भी 11th क्लास में आप लोग पढ़ते हो,
इम्पल्स भी 11th क्लास की टेक्स्ट बुक में आता है, और ये बहुत ही सिंपल सा, ये बहुत दोनों का फर्क बेहद आसान है। बट होता क्या है कि इस पूरे फिजिक्स के सीन में, अधिकतर स्टूडेंट्स को ये ही नहीं समझ में आता कि मोमेंटम किधर लगेगा, इम्पल्स किधर, कैसे और कब लगेगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगेगा। तो दिस वॉज मोमेंटम एंड इम्पल्स। बेटा सबको क्लियर है? एवरीवन, सबको क्लियर है ये? एवरीवन क्लियर? यस सर। यस यस सर। यस। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताइए, इसका मास 200 केजी, इसका मास 500 केजी, दोनों का मिला के मास 700 केजी, इसका मोमेंटम 20,000 और इसका मोमेंटम 5,000, आप दोनों को जोड़ दो 25,000 हो जाएगा इसका मोमेंटम। बेटा मेरे को एक बात बताओ, इसका वजन 200 है, इसका वजन 500 है, जब टक्कर होगी, जब एक दूसरे के शेप्स डिफॉर्म हो जाएंगे, जब इसके सामने का अपीयरेंस पूरा खराब हो जाएगा, इसका भी सामने का अपीयरेंस पूरा खराब हो जाएगा, बेटा शेप में डिफॉर्मेशन आएगा, शेप खराब होगा, क्या मास कम होगा? यस और नो? मास कम होगा क्या? नो सर। नो सर। मास कम होगा? नो सर। मास कम होगा क्या? नो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जितना मास पहले था उतना ही मास अब भी है? यस सर। यस सर। यस सर। पहले था उतना मास अभी भी है? हाँ सर। जो चीज पहले थी वही चीज अभी भी सस्टेन हो रही है बेटा, उसी को तो कंजर्वेशन बोला जाता है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब उनको कंजर्व करके रखना, उनको प्रिजर्व करके रखना, जैसे वो पहली कंडीशन थी वैसी रखना। अच्छा बेटा, इसका 20,000 था, इसका 5,000 था, ये 20,000 इस्तेमाल हो गया इसको डिफॉर्म करने में, ये 5,000 इस्तेमाल हो गया इसको रोकने में, बट एट द एंड ऑफ द डे ये वाला जो मोमेंटम है ये रहेगा तो इस पूरे सीन के अंदर भी, ठीक है, कुछ एनर्जी जाएगी, एनर्जी की जब आप बात करोगे तो एनर्जी जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी ना क्रिएट की जा रही है ना डिस्ट्रॉय की जा रही है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हाँ ये हो रहा है यहाँ पर, इट हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये तेजी से आएगा इसको डैश मारेगा और इसको पूरा डिफॉर्म कर देगा, एनर्जी इज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट बेसिकली अगर आप पूरे सिस्टम की बात करोगे तो बेटा यहाँ पर जब कोलिजन होगा तो जितना मोमेंटम था वो मोमेंटम पूरा का पूरा बरकरार है, वो पूरा वैसा है। पूरा का पूरा बोलने का मतलब क्या है? इसमें 20,000 का मोमेंटम है, इसमें 5,000 का मोमेंटम है। ऐसा नहीं है कि ये भागते भागते आया तो 500 का मोमेंटम पीछे इसने पेट्रोल में फेंक दिया, या इसने 5,000 में से 50 का मोमेंटम धुएं में छोड़ दिया। ऐसा नहीं। जितना मोमेंटम इसमें था कोलिजन के बाद यहां से यहां ट्रांसफर हुई चीजें। अरे बेटा बट चीजें तो ट्रांसफर हुई हैं, लेकिन है तो एक सिस्टम के अंदर ही। मास डिफॉर्म हुआ है, मास कम या ज्यादा नहीं हुआ, मास ज्यादा नहीं हो गया, मास कम नहीं हो गया। और कोलिजन जब होगा, कोलिजन पे क्या अप्लाई होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाते क्यों हो? टू एनालाइज थिंग्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पहले
मोमेंटम क्या था, मास कितना था, वेलोसिटी कितनी थी। मोमेंटम बाद में, कोलिजन के बाद में मोमेंटम को क्या होगा, मास को क्या होगा, इट रिमेन्स अनचेंज, वेलोसिटी को क्या होगा, इट ऑल्सो चेंजेस। गेटिंग व्हाट आई मीन टू से, समझ में आया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा यहाँ पर लगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम, दिस इज ऑल अबाउट इम्पल्स। देर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम का मतलब क्या है, एक चलती हुए ऑब्जेक्ट को रोकना कितना आसान है या कितना मुश्किल से, ये मोमेंटम से पता चलता है। इम्पल्स का मतलब क्या है, इम्पल्स का मतलब है एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने वाली चीज के ऊपर कितना फर्क पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूं, एक चलते हुए मोमेंटम क्या बताता है, एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है कितना आसान है। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनो, मोमेंटम क्या बोलता है, मोमेंटम बोलता है एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है कितना आसान है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को। आई रिपीट अगेन, चलते हुए ऑब्जेक्ट को। इंपल्स क्या बोलता है, उस चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए तुम जो चीज इस्तेमाल करोगे उसके ऊपर कितना असर आएगा, उसको बोला जाता है इंपल्स। आई होप आई हैव वर्डेड इट प्रॉपरली ताकि आप स्टूडेंट्स को और क्लियरली समझ में आए। यस सर। सो बेटा ये तीन चीजें क्लियर हो गई सभी बच्चों को, तीनों चीजें क्लियर हो गई सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। इंपल्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब बेटा ये वो बेसिक बैकग्राउंड है जो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में फिर अगर आप न्यूमेरिकल्स पे जाते हो, उसके बाद में अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बेहद आसानी जाएगी। बट वॉट रियली हैपन्स कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल बैकग्राउंड। आप लोगों को बताओ आप लोगों ने गलती क्या की, what mistake you all have done? आपने मोमेंटम को अलग से पढ़ा है, यू हैव स्टडीड मोमेंटम इन अ डिफरेंट वे। मोमेंटम इज अ डिफरेंट एंटिटी फॉर एंड यू स्टडीड इम्पल्स इन अ डिफरेंट वे। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली कोशिश की कि मैं आपको एक कंपेरेटिव एनालिसिस दूं कि फ्रेम सही है, सिचुएशन सेम है, फ्रेम वही है, बट उसी जगह पर मोमेंटम कहां पर रहेगा और उसी जगह पर इम्पल्स कहां पर रहेगा। आपको जब कंपेरेटिव स्टडी होगी तब जाके आपको और क्लियरली समझ में आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज इम्पल्स एंड व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सभी बच्चों को समझ में आया, यस और नो? सबको क्लियर है? एवरीवन ऑल क्लियर बेटा? सभी बॉयज को, गर्ल्स को? ओके बेटा, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, मोमेंटम के ऊपर, इम्पल्स के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? No questions? If you have no questions, can I proceed ahead? आगे बढ़ूं? Yes, sir.